हेलो गाइस, नमस्कार। हम आप लोग के एसकेल्प में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 10 लुक्स के बारे में बात करेंगे जिसके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको देखते ही लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी और आपको पसंद कर लेगी। आइए जानते हुए कौन कौन से लुक्स हैं। कहने वालों ने कहा है कि प्यार रूप रंग और खूबसूरती नहीं देखता, बस जिस पर दिल आना होता है आ जाता है। लेकिन रुकिए जनाब, अब ये फलसफा पुराना हो चुका है। आज 21वीं सदी है और इस जनरेशन में रूप रंग, सूरत, खूबसूरती और ग्लैमर सब मायने रखता है। इसलिए अच्छा दिखना और प्रेजेंट रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि दूसरी चीज़ें। वैसे भी लड़कियां बहुत चूजी होती है और जब बात डेट पर जाने या बॉयफ्रेंड चुनने के हो तो वे कोई गलती नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हमारा स्टाइल हो कैसा जिससे लड़कियों पर पहला इम्प्रेशन ही ज़बरदस्त पड़े और वे हमसे अट्रैक्ट हो जाए। स्टाइलिश का कोई रूल नहीं होता है, बस होना ये चाहिए कि आप अपना जो भी स्टाइल रखें उसमें अच्छे लगे और उसे बेहतर तरीके से कैरी करें। लेकिन इसके बावजूद भी आपका बोर्ड रोब स्टाइल है और आपने ग्रेमिंग बेहतर तरीके से कर रखी तो समझिए आपने लड़की को दिल जीत लिया है। तो आइए जानते हुए 10 टिप्स जिसे अपना कर अपने स्टाइलिश में 4 चांद लगा सकते हैं और अट्रैक्टिव लग सकते हैं। टिप्स नंबर 1, गुड ग्रोइंग हैबिट्स। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर आपने गेमिंग पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने बाल बेहतरीन है, अच्छे से कटे नहीं हैं, नाखून बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी है तो समझिए ये आपकी पर्सनालिटी के लिए माइनस पॉइंट है। लड़कियां हर छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपके बाल, आपके स्किन, नाखून, बॉडी यानी ओवरऑल साफ सफाई पर लड़कियाँ ध्यान दे रही है। लड़कियाँ उन लड़कों को पसंद करती है जो अपना ख्याल रखते हैं। लड़कियों को क्लीनिंग से वेल मैनेजमेंट और ग्रेम्स लड़की पसंद आती है, इसलिए आप भी अपने ग्रेमिंग का ख्याल रखें क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो बनती बात बिगड़ सकती है। टिप्स नंबर 2, अच्छे जूते पर्सनालिटी को बनाएं के अट्रैक्टिव है। जूते आपकी पर्सनालिटी को अहम हिस्सा होते हैं। जूते एक बेहतरीन पेयर ओवरऑल लुक को बढ़ा देता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके जूते आपके कपड़े से मैच करते हुए होने चाहिए, यानी अगर आपने सूट पहना है तो उसके साथ साथ फॉर्मल शूज ही अच्छे लगेंगे। सोचिए अगर आपने सूट के साथ स्पोर्ट शूज और कैजुअल वियर के साथ क्लासिक फॉर्मल शूज पहन लिए हो तो कैसे लगेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया हो तो लड़कियों पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा ये बात की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूते की अच्छी चॉइस आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए कि जरूरी नहीं है कि आप हर कपड़े के हिसाब से अलग अलग जूते खरीदें। बस परफेक्ट 3 तरह के जूते वार्डरोब में रखिए और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से लड़कियों को अट्रैक्ट करिए। टिप्स नंबर 3, वाइट टी शर्ट और जीन्स का कॉम्बिनेशन क्लासिक कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसी पेयरिंग है जिसे आप बेझिझक कहीं भी ट्रायल कर सकते हैं और लड़कियां इसे पसंद भी करती हैं। ये कंफर्टेबल है, बजट फ्रेंडली है और सबसे ज़रूरी बात ये हर किसी पर अच्छा लगता है, चाहे डेट पर जा रहे हो या फिर दोस्तों के लिए हैंग आउट। ये स्टाइल आपकी अट्रैक्टिव लगती है। इस कॉम्बिनेशन में इस बात का ख्याल रखें कि टी शर्ट और जीन्स दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल लगे। ऐसा ना हो कि टी शर्ट अलग लगे और जीन्स अलग लगे। जब दोनों ही फिटिंग सही होगी तभी पेयरिंग अच्छी लगेगी। टिप्स नंबर 4, सूट के बारे में ये कहा जाता है कि लड़के सूट में सबसे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सूट में रहें, लेकिन जब भी सूट पहने इस बात का ख्याल रखें कि वे परफेक्ट फिट हो। अगर आपका सूट फिट नहीं है और आपके शरीर में झूर रहा है तो ऐसा सूट पहनने से अच्छा ना पहनिए। आप जैकेट का शोल्डर परफेक्ट होना चाहिए, इसके स्लीव्स कलाई के थोड़े ऊपर होने चाहिए और पैंट्स की लेंथ प्रॉपर और हेमिंग किए हुए होने चाहिए। अगर आपके सूट में इन चीज़ों की कमी है तो बिना देर किए टेलर के पास जाए और अपने सूट को अल्टरेशन के लिए डाल दे। टिप्स नंबर 5, रोल्ड स्लीव से पाए अट्रैक्टिव अंदाज। शर्ट के स्लीव को रोल करें और अपने फॉर्म आर्म को थोड़ा सा शो ऑफ करें। यकीन मानिए आपके इस लुक पर लड़कियां मर मिटेगी। लड़कों को यह लुक कूल, कैजुअल और काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। टिप्स नंबर 6,
चिनोज है परफेक्ट पेयरिंग, लड़कों के लिए सबसे वेरी स्टाइल है, आप चाहे तो इसे हर दिन पहन सकते हैं। ये आपको वार्डरोब का एक खास पार्ट है। अगर जीन्स और ट्राउजर से बोर हो चुके हैं तो चिनोज ट्रायल करें। आपको बता दें कि चिनोज लड़कियों को भी काफ़ी पसंद आती है और ये उनकी हॉट फेवरेट लिस्ट में है। चिनोज में फिटिंग का खास ख्याल रखें, सूट की तरह ही ढीले ढाले नहीं होनी चाहिए और ना ही स्लीवलेस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे चिनोज आपका पूरा लुक बिगाड़ सकते हैं। टिप्स नंबर 7th, हैंड लाइन में लड़के लगते हैं स्मार्ट। अगर आप बेहतरीन फिजिक के मालिक हैं तो यकीन मानिए हैंड लाइन आपके लिए है अट्रैक्शन में टी शॉर्ट से एक कदम आगे। हैंड लाइन लड़कियों के भी बहुत भाते हैं, ये एक ऐसा अट्रैक्टिव जो कैजुअल भी है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी है। इसमें कई कलर्स अवेलेबल है लेकिन न्यूट्रल कलर्स जैसे ग्रे, नेवी ब्लू, मिलिट्री ग्रीन काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर आप टी शर्ट से बोर हो गए हैं तो हैंडले अच्छा ऑप्शन है। टिप्स नंबर 8, बेहतरीन कपड़े के साथ करें एसेसरीज के मैचिंग। अच्छे कपड़े के साथ अगर आपने क्लेजी एसेसरीज के मैचिंग कर ली तो यकीन मान लीजिए कोई भी लड़की आप पर फिदा होने से खुद को रोक नहीं पाएगी। एसेसरीज का सही चुनाव लुक को और भी स्टाइलिश बना देता है। अगर आप एसेसरीज चुनने के मामले में नौसिखिया है तो शुरुआत एक बेहतरीन वास्त से कीजिए। एसेसरीज चुनना एक कला है और इस कला की पारखी लड़कियाँ होती। इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा एसेसरीज भी लुक को काट सकते हैं, इसलिए ड्रेस के हिसाब कम एसेसरीज पहने, लेकिन जो भी पहने वे क्लासी पहने। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस टिप्स को आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपको लड़कियां देखती हैं आपको अट्रैक्टिव और पसंद कर लेगी और आपका काम बन सकता है। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।